नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी और वर्तमान में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट ने कहा कि उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से अपने संसदीय क्षेत्र में कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उन्हें भरोसा है कि एक बार फिर जनता का उन्हें आशीर्वाद मिलेगा। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे 5 साल तक अपना स्नेह दिया। स्नेह देने के बाद आपके स्नेह को देखकर मैं अपने राष्ट्रीय संगठन का, मोदी जी का, नड्डा जी का, यहां प्रदेश संगठन का अध्यक्ष जी का और यहां मुख्यमंत्री जी उनकी टीम का आभारी हूं कि मैं तो पहले बार का सांसद था। आप लोगों ने इतना स्नेह दिया कि जो पहली लिस्ट देश की निकली उस लिस्ट में मेरा नाम दे दिया, तो मैं ये श्रेय आपको देता हूं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश की जनता ने मन बना लिया है कि आगामी 4 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रचंड बहुमत से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 500 लोकसभा के नामांकन आज आदरणीय अजय भट्ट जी के नामांकन से संपन्न हो गए हैं और 500 नामांकन में मैं स्वयं उपस्थित रहा हूँ। उत्तराखंड के अंदर लोगों में अपार उत्साह है, उमंग है और 19 अप्रैल के दिन का समस्त उत्तराखंड वासी इंतजार कर रहे हैं। अभी हम होली में थे, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो हम दिवाली मनाएंगे। हमारे अजय भट्ट जी और हमारे सभी 500 प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, जो ऐतिहासिक जीत होगी।